हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैचलर्स किचन। मैं आपका, मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ गार्लिक साग, जिसके लिए हमको चाहिए एक बंच साग। मैंने चौली का साग लिया हुआ है। आठ से दस लहसुन के कली, दो ग्रीन चिली और एक बड़ा प्याज, तकरीबन 50 से 60 ग्राम का एक प्याज लेंगे। एक फ्राई पैन में ऑयल गरम कर ले, तेल गरम होते ही उसमें गार्लिक को फ्राई कर ले। गार्लिक को ऑयल में डालने से पहले थोड़ा सा उसको क्रश कर दे और दो ग्रीन चिली और प्याज ऑयल में डाल के उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमको थोड़ा सा ब्राउन करना है। जैसे प्याज चिली और गार्लिक थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, अभी हम उसमें साग ऐड करेंगे। याद रखिए, साग को अच्छे से साफ कर लीजिए, उसको अच्छे से पानी में भिगो के उसको धो लीजिए। मैंने साग के सिर्फ पत्ते यूज़ किए हैं, उसके बाकी के चीज़ें यहाँ पे मैंने नहीं लिया है। साग डालने के बाद उसमें नमक स्वादानुसार ऐड करेंगे। आप चाहे तो पहले नमक डाल सकते हैं या उसके बाद भी नमक साग में ऐड कर सकते हैं। धीमी आंच में हमको 4 से 5 मिनट पहले पकाना है। इसके बाद हमको तकरीबन 1 टेबलस्पून शुगर उसमें ऐड करना है। शुगर ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट और पकाना है उसको। चलिए, अपना गार्लिक साग खाने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, मुझे बताएं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।